बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोढ़ी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि कहावत आपने सुनी होगी कि संगठन में शक्ति होती है। अगर आप संगठित है तो आपकी ताकत का एहसास सब लोगों का होगा और डर, चाहे वो कितना ही बड़ा शासक क्यों ना हो, सत्ताधारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो भी आपसे घबराएगा। लेकिन आप अगर अलग अलग कोनों में जाकर बैठ जाएंगे तो आपकी ताकत से, चाहे आप कितने भी बाहुबली क्यों ना हो, आपकी ताकत से कोई नहीं डरेगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है बिहार में। बिहार के अंदर 22 जो है विधायकों ने बीजेपी, कांग्रेस, सपा और आरजेडी, जेडीयू, यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे वो एकजुट हुए, और एकजुट होने का परिणाम ये हुआ कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की भी जो टांगे हैं वो थर्राने लगी। आपको बता दें कि खुद बीजेपी भी इस चीज को भांप रही है कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अगर आगे पीछे होते अलग बात है, वरना इसी साल के अंत में विधानसभा है कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले। तो बीजेपी इस चीज को भांप रही है कि ऐसी एसटी की जो नेता है वो अगर लामबंद हो रहे हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। यहां पर आपको बता दें जीतन राम मांझी, श्याम रजक, शिवचंद राम जैसे बड़े नेता, राजेश कुमार जैसे बड़े नेता बिहार के असेंबली में अपने तमाम नेताओं के साथ एससी एसटी के साथ एकजुट हुए, मुद्दा रखा कि एससी एसटी के जो आरक्षण का मामला है उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर स्पष्टीकरण है वो केंद्र सरकार दे, आरक्षण पर बार बार कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता सुशील कुमार मोदी सामने आए। सुशील कुमार मोदी की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि एससी एसटी के विधायकों की तरफ से जो एकजुटता के साथ जो मांग उठाई गई है उस मांग के बीजेपी साथ खड़ी है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार जो है आरक्षण पे वर्तमान की जो प्रणाली है उसके साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये आरक्षण की जो पद्धति है यथावत रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के हम इस बयान पर बिल्कुल भी साथ नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि एससी एसटी एक्ट में जो संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा बदलाव किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने उस एससी एसटी एक्ट के अंदर नए कानून और ज्यादा जोड़कर उसको बड़ा प्रभावी बनाकर फिर से लागू किया गया है। ठीक उसी प्रकार से होगा कि अगर केंद्र सरकार आरक्षण के मामले को उसी तरीके से लेगी और आरक्षण में अगर जो भी जरूरत होगी उस तरीके से उसमें की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में जहां तक बात है सम्मिलित करने की, तो 9वीं अनुसूची के अंदर जो विषय सम्मिलित किए गए उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि समीक्षा की जाए, इसलिए आरक्षण पर जो भी उचित बातें होगी वो हम बैठ मिलकर करेंगे और किसी भी तरीके से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के साथ नहीं है। यानी कि आप एकजुट हुए और लामबद्धता के साथ हुए कि बीजेपी दूसरे दिन ही बोलने के लिए मजबूर हो गई और बीजेपी ने सीधे तरीके से सबके सामने आकर कह दिया कि वो आरक्षण के मामले में एससी एसटी के साथ खड़ी है। मिलेंगे किस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद